नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज देवगन। सो आज हम बात करेंगे स्किन डिजीज के बारे में, सोरियासिस के बारे में। बेसिकली सोरियासिस में हमारे स्किन के ऊपर इरप्शंस हो जाते हैं और इसके साथ साथ रेड कलर के पैचेस बन जाते हैं, डैंड्रफ हो जाता है, ये हमारे स्काल्प पे हो जाते हैं, बालों के अंदर हो जाते हैं और चेस्ट पे हो जाते हैं और पैरों में भी देखे जाते हैं। इसमें काफ़ी रेड कलर के पैचेस के साथ साथ सिल्वरी स्केल्स, डैंड्रफ होता है और काफ़ी ज़्यादा ईचिंग भी होती है। सो बेसिकली सोरियासिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें हमारे खुद के ही जो हमारे इम्यून सिस्टम है, जो हमारे डिफेंस सेल्स हैं, वो ही हमारे सेल्स हमारे हेल्दी सेल्स के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, जो कि हमारे टी सेल्स और न्यूट्रोफिल्स जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के सेल्स हैं, वो ही हमारे स्किन के सेल्स भी अटैक करने लग जाते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारे स्किन के सेल्स की जो लाइफ साइकिल होता है वो नॉर्मल फिजियोलॉजी में 4 to 6 वीक का होता है, और जो सोरियासिस की स्किन डिजीज में 4 to 6 वीक से सीधा 1 वीक में आ जाता है। जो स्किन की शेडिंग है बहुत तेजी से होती है जिसके कारण स्किन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा परत और ज़्यादा डैंड्रफ होने लग जाता है और हमारे खुद ही इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं वो अटैक करने लग जाते हैं। तो मेन फैक्टर्स हैं सोरियासिस के ट्रोमा, क्लाइमेट और इमोशनल स्ट्रेस। और अब हम बात करेंगे व्हाट इज रोल ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन इन मैनेजमेंट ऑफ सोरियासिस। सो होम्योपैथी केसेस में क्या होता है कि विद इन 3 to 6 months में ही सोरियासिस परमानेंटली क्योर किया जा सकता है। क्या है कि जो हमारी मेडिसिन होती हैं इन सोरियासिस केसेस में, जैसे पेशेंट के केस को एनालाइज किया जाता है, देर इज लोट ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, जो पेशेंट की केसेस ट्रीट ली जाती है उसके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होने के कारण उसमें परेशानी देखी जाती है, तो होम्योपैथी मेडिसिन के साथ इसको परमानेंटली क्योर किया जा सकता है। इससे ही इसका परमानेंटली ट्रीटमेंट किया जा सकता है पेशेंट की केस हिस्ट्री लेके, जो उसके मेन सिम्टम्स हैं, जब वो ज़्यादा एंग्री हो जाता है या किसी डिप्रेशन में आ जाता है तो उसके जो सिम्टम्स हैं सोरियासिस के एग्रेवेट हो जाते हैं, और ड्यू टू वीक इम्यून सिस्टम हावी हो जाता है तो सोरियासिस के लक्षण बढ़ जाते हैं। तो इन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो उसकी जो ऑटोइम्यून डिजीज को मॉडरेट किया जाता है, जो उसके जो अपने ही सेल्स अटैक करते हैं अपने स्किन सेल्स के ऊपर, उनको कंट्रोल किया जाता है विद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। सो विद इन 3 to 6 months में ही पेशेंट क्योर होने लग जाता है, पेशेंट को इंडिविजुअलाइज किया जाता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, प्रॉपर केस टेकिंग से ही पेशेंट की जो हिस्ट्री है, कब उसको एंजाइटी ज़्यादा फील होती है, कि कब ज़्यादा परेशानी, कब स्ट्रेस में आता है, जहाँ उसको फैमिली का वर्कलोड ज़्यादा है, सोर्स ऑफ इनकम को लेके वो परेशान है या अपने फ्यूचर को लेके परेशान है, तो उनके रीज़न को ही लेके ही केस को एनालाइज करके ही एक मेडिसिन कैलकुलेट की जाती है, तो पेशेंट का सोरियासिस क्योर किया जाता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आल्सो कंसल्ट विद मी, आई शैल डॉक्टर धीरज देवगन, BHMS होम्योपैथी।